महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गया कोठा क्षेत्र में स्थित जटेश्वर महादेव 84 महादेवों में 28वें नंबर के महादेव हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार राथंतर कल्प में सोमवंशी वीर धनवा नाम का धर्मात्मा राजा था। वह एक बार मृग्या के लिए वन में गया। उसने संवर्त ब्राह्मण के 5 पुत्रों को देखा जो मृग के रूप में विचर कर रहे थे। उन बालकों ने एक बार हिरण के 5 बहुत छोटे बच्चों को उठा लिया था, जिससे वह मर गए थे। अपने घर जाकर उन्होंने सब बात पिता से कही और प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई। वहां भृगु, अत्रि और अंगिरस भी आए। शास्त्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु वाले वृद्ध, 16 वर्ष से कम आयु वाले बालक, स्त्रियों और रोगियों को प्रायश्चित स्वरूप आधा दंड दिया जाता है। उन 5 बालकों को प्रायश्चित स्वरूप 5 वर्ष तक मृग चर्म ओढ़कर वन में रहने का दंड दिया गया। वे इस प्रकार वन में भटक रहे थे। 1 वर्ष पश्चात उन्हें इस प्रकार भटकते राजा वीर धनवा ने देखा। राजा ने उन्हें मार डाला। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि वे ब्राह्मण बालक थे तो वह कांप उठा। वह देवरात मुनि के पास जाकर सारी बात कहकर रोने लगा। तब देवरात मुनि ने उन्हें ढांढस बधाया और कहा, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। ऐसी अप्रभावी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने तलवार से देवरात मुनि की हत्या कर दी। इसके बाद क्रोध पूर्वक उसने गालव ऋषि की कपिला गाय को भी मार डाला। इतने पाप से उसकी बुद्धि जड़ी भूत हो गई। वह घोड़े पर बैठकर जंगल में भटकने लगा। एक दिन वह घोड़े को बांधकर एक पेड़ के नीचे सो गया। तब कुछ शिकारियों ने उसे देखा। उन शिकारियों ने राजा को बांधने का प्रयास किया। तब उसके शरीर से एक देवी निकली। उसने शिकारियों को मार दिया और अंतर ध्यान हो गई। जगने पर राजा ने उन शिकारियों को मरा देखा। तब वह घोड़े पर बैठकर वामदेव मुनि के आश्रम में गया। वामदेव ने विदुरथ के पुत्र वीर धनवा की यह दशा देखकर उन्हें आश्वस्त किया। उसे बतलाया कि पूर्व जन्म में एक बार आप शिकार के लिए आमल की वृक्ष पर फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आमल की एकादशी के दिन बैठे थे। वहां अपने लोगों को परशुराम की पूजा करते देखा। उपवास और जागरण के पुण्य से आप राजा बन गए। उस जन्म के पाप से तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी और आपकी बुद्धि जड़ हो गई। आप मेरे कहने पर महाकाल वन में जाइए। वहां अनरकेश्वर के उत्तर में जटेश्वर महादेव हैं, उनकी पूजा कीजिए। राजा ने उस लिंग की पूजा की। तब इस लिंग से जटाधारी शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जड़ी भूत बुद्धि अब निर्मल हो गई है, इसलिए यह लिंग जटेश्वर कहलाया। इस लिंग के दर्शन से सभी पाप नष्ट होते हैं। अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होता है। श्राद्ध के समय जो जटेश्वर की इस कथा को पढ़ता है, उसका श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।